नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से मेरे पास आप लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेज आया था कि आईको नियो 7 प्रो और नॉट 3 के अंदर एक कॉम्पेटिटिव वीडियो बनाने के लिए कि 30,000 से 35,000 रुपीज के अंदर ये जो दो फोन जो लॉन्च होने वाला है, दोनों में से कौन सा बेटर वैल्यू फॉर मनी होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको एकदम ए टू जेड पूरा दिखाऊंगा, दोनों स्मार्टफोन पास पास रख के कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक्चुअली कौन सा है बेटर और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कह देता हूँ, ये जो वन प्लस नॉट 3 जो लॉन्च होने वाले, एक्चुअली चाइना पे एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है जिसका नाम है वन प्लस एस टू वी, उसका रिब्रांडेड वर्जन होगा, लेकिन जो कैमरा सेटअप वो टोटली अलग होगा, मतलब और भी बेटर होगा। लेकिन अगर हम इस आईको नियो 7 प्रो की बारे में बात करें, वैसे मेरे पास जितने सारे सोर्स है, अलग अलग सोर्स से मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिला है, उस सोर्स से मुझे मालूम चला है कि ये जो आईको नियो 7 प्रो वो होगा जो रेसिंग एडिशन, उसका रिब्रांडेड वर्जन। उस सोर्स से मुझे ये भी मालूम चला है कि ये जो स्मार्टफोन जो आईको नियो 8 रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसका वो रिब्रांडेड वर्जन। लेकिन ज्यादातर सोर्स से मुझे यही चीज मालूम चला है, इंडिया का आईको नियो 7 प्रो होगा चाइना का आईको नियो 7 रेसिंग एडिशन। तो इसीलिए हम उस रेसिंग एडिशन के साथ जो 2B वाला, मतलब मॉडिफाइड 2B वाला एडिशन, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे कि इस पहले चार्ट में देख सकते हैं, अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, आईको पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज E5 एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। वैसे कितना इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्या PWM डिमिंग रेट है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इसके साथ आपको मिलेगा 1500 निट्स का ब्राइटनेस और एक स्पेशल डिस्प्ले चिप, मतलब जिसका नाम है डिस्प्ले चिप प्रो प्लस, मतलब जिसका मेन टास्क है डिस्प्ले का जो FPS उसे और भी ज्यादा बूस्ट करना। उसी जगह पे वन प्लस पे आपको मिलेगा 6.74 इंच 10 बीट 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 1440 हर्ट्ज का PWM डिमिंग रेट, 1450 निट्स का ब्राइटनेस, और उसके साथ आईको के जैसा कोई डिस्प्ले चिप प्रो प्लस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब देख सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर पहली बात तो वन प्लस में आपको बेटर रेजोल्यूशन मिल रहा है, बेटर पैनल टाइप मिल रहा है, उसके साथ बेटर टच सैम्पलिंग रेट भी आपको मिल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से डिस्प्ले के मामले में वन प्लस इधर होगा, नो डाउट बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, आईको पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 प्रोसेसर, जिसके साथ एक अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम मिलेगा। वैसे इसके अंदर का कूलिंग सिस्टम का क्या साइज है अभी तो मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन अगर मुझे बाद में मालूम चला तो मैं नीचे ब्रैकेट में लिख दूंगा। उसी जगह पे वन प्लस पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर, जिसके साथ 4130 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास का वेपर कूलिंग चेंबर आपको मिलेगा, मतलब दोनों का ही प्रोसेसर है बहुत ही बढ़िया। कैमरे की अगर बात करें, आईको पे आपको मिलेगा 58 और 2 का डीआर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये चीज ध्यान में रखना कि इसके अंदर सिर्फ आपको OIS का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये जो 50 मेगापिक्सल सेंसर, उसका नाम है सैमसंग G N5 सेंसर, जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाले काफी अच्छा कैमरा सेंसर है। उसी जगह पे वन प्लस पे आपको मिलेगा 58 और 2 का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। अभी ये जो कैमरा सेटअप वो चाइना पे जो लॉन्च हुआ था वन प्लस एस टू भी, उससे टोटली अलग है, मतलब उसमें आपको मिल रहा था बेकार कैमरा सेंसर, इसमें आपको मिलेगा और भी बेटर क्वालिटी का कैमरा सेंसर। आईको पे जहाँ पर आपको मिल रहा था सिर्फ OIS का ऑप्शन, इसमें आपको OIS EIS दोनों का ऑप्शन मिलेगा। और जो सबसे मेन चीज, इसका कैमरा सेंसर है IMX 890, तो मतलब ये चीज कह सकती है ओवरऑल बेटर क्वालिटी कैमरा क्वालिटी में वन प्लस इधर होगा, नो डाउट बेटर, क्योंकि पहली बात तो सोनी का सेंसर है और उसके साथ OIS EIS दोनों का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, और कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में वन प्लस थोड़ा सा बेटर है कम्पेयर टू आईको। नेक्स्ट अगर दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, अभी यहाँ पर देख सकते कि ऑलरेडी डिस्प्ले के मामले में या फिर कैमरे के मामले में वन प्लस से बेटर, तो मतलब कॉस्ट कटिंग करने के लिए जरूर इधर कुछ ना कुछ करेगा। तो इसीलिए वन प्लस नॉट 3 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट वो इंडिया पे शुरू होगा 8/128 GB से, लेकिन उसी जगह पे आईको का जो बेस वेरिएंट वो इंडिया पे शुरू होगा 8/256 GB से। लेकिन आईको पे आपको मिलेगा LPDDR5 और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन, जो कि ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट की सबसे बहुत सही है। लेकिन ये जो वन प्लस का स्मार्टफोन चाइना के जैसा, मतलब जैसा वन प्लस एस 2B वाले स्मार्टफोन में था,
था, तो कहा जा रहा है कि इसमें भी आपको मिलेगा LPDDR5X का रैम और UFS 1 का स्टोरेज। मतलब अगर फाइनल प्रोडक्ट मतलब इंडिया में जो वेरिएंट आएगा अगर उसमें सच में LPDDR5X का ऑप्शन होता है तो नो डाउट रैम रोम स्टोरेज मतलब परफॉर्मेंस के मामले में वन प्लस का ये जो स्मार्टफोन आईक्यू से होगा बेटर। नेक्स्ट अगर बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करें तो आईक्यू पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी 120 वाट का चार्जर, वन प्लस पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी और 80 वाट का चार्जर। मतलब बैटरी चार्जिंग ये सब क्वालिटी में आईक्यू इधर है बेटर। और इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। तो यही था दोनों स्मार्टफोन के अंदर का मेन डिफरेंस। लेकिन फिर भी अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है कि दोनों के अंदर एक्चुअली कौन सा बेटर है तो आप इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप 30,000 से 35,000 रुपीज के अंदर वन प्लस के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5K 10 bit पैनल आपको मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस क्योंकि LPDDR5X का रैम मिलेगा और उसके साथ बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप मतलब बेटर क्वालिटी का सेंसर आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप आईक्यू के साथ जाएंगे तो आपको बस एक ही एडवांटेज मिलेगा जो कि चार्जर क्वालिटी मतलब बेटर क्वालिटी फास्ट चार्जर। तो मतलब देखिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूं, अगर मेरे पास अभी बजट है 30,000 से 35,000 रुपीज के अंदर और अगर मेरे सामने सेम प्राइस पॉइंट में आईक्यू नियो 7 प्रो और वन प्लस नॉट 3 होता है तो मैं डेफिनेटली वन प्लस के स्मार्टफोन को लेना पसंद करूंगा। क्योंकि पहली बात तो इसका ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, वन प्लस का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो भी काफी सही है और एकदम टाइम टू टाइम आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाएगा। तो इसीलिए इस दोनों फोन के अंदर मैं वन प्लस नॉट 3 को लेना पसंद करूंगा। लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखना, अगर अकॉर्डिंग टू लीक्स आईक्यू नियो 7 प्रो मतलब अगर चाइना का आईक्यू नियो 7 रेसिंग एडिशन होता है और ये जो इंडिया का जो वन प्लस नॉट 3 इसका जो कैमरा सेटअप चाइना के मुकाबले टोटली डिफरेंट, मतलब मैंने जो कहा था कि 58:16 का सेल्फी IMX890 सेंसर अगर वो वाला सेटअप होता है तो ही ये जो कंपैरिजन वीडियो वैलिड होगा और तो ही आपको वन प्लस के फोन को चूज करना चाहिए। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि आप ये दोनों फोन के अंदर कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।